हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम अमरसन सेकंड का जो कैंसर वाली ऑन्कोलॉजी यूनिट है उसमें हम कैंसर की डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैंसर क्या होती है और कैंसर के वार्निंग साइन कौन कौन से होते हैं। कैंसर ए डिजीज़ इन विच अबनॉर्मल सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू। इसमें क्या, कैंसर क्या एक डिजीज़ है जिसमें क्या होने लग जाता है, अबनॉर्मल जो सेल क्या होती है, जैसे नॉर्मल सेल है ठीक है, ये क्या होने लग जाती है, ये डिवाइड होने लग जाएगी। बहुत सारे अबनॉर्मल सेल्स वगैरह साइब्स हो गया, इसमें ये न्यूक्लियस डार्क होने लग जाएगी। ठीक है, ये क्या होने लग जाते हैं, डिवाइड होने लग जाएगी, अनकंट्रोल जो बिल्कुल अनकंट्रोल होने लग जाएगी। ठीक है, अबनॉर्मल सेल का डिवाइडेशन होने लग जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल मतलब कंट्रोल नहीं होगा और डिस्ट्रॉय करता है बॉडी टिश्यू को। डिजीज़ क्या है, सबसे पहले कैंसर एक डिजीज़ है। इसमें क्या होने लग जाएगा, जो अबनॉर्मल सेल का डिवीज़न होने लग जाएगा जो अनकंट्रोल होगा। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसमें क्या होने लग जाएगा, जो ये अनकंट्रोल जो सेल का डिवाइडेशन हो रहा ये क्या करने लग जाएगा, जो नॉर्मल बॉडी टिश्यू है ना उनको क्या करने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, द अवेयरनेस ऑफ अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ कैंसर टाइप्स सच एज स्किन, सर्वाइकल, ब्रेस्ट, कोरेक्टल, ओरल, इन ऑर्डर टू गेट देम डायग्नोस एंड ट्रीट एट अर्ली स्टेज इज इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कहते हैं, अवेयरनेस मतलब क्या, अवेयरनेस करना है जो अर्ली साइन होते हैं, साइन और सिम्टम होते हैं कैंसर के, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, सर्वाइकल, कोरेक्टल, कोलन और रेक्टम का कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया। तो इसमें अपन डायग्नोस करने के लिए और मतलब बहुत डायग्नोस कर सकते हैं अपन इसको, साइनम सिम्टम अगर अर्ली साइनम सिम्टम जो ऐसे आ रहे हैं ठीक है, तो उससे अपन अवेयर रह सकते हैं और अगर इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं अगर जो वार्निंग साइन है वो अर्ली लेवल पे, अर्ली स्टेज पे अपने को मिल जावे तो। ठीक है, फिर देखेंगे सम जो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर आर बिलो, मतलब देखेंगे जो कोजन, ये एक क्वेश्चन क्या होता है, एक तरह से ये ट्रिक है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, वार्निंग साइन को याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन का एक एक वर्ड देखेंगे। सी मींस होता है ए चेंजेज इन बोवेल एंड ब्लेडर है, मतलब क्या होने लगता है, जो बोवेल जिसमें ब्लेडर मतलब यूरिन करने की और बोवेल मींस जो फिकल मटेरियल जो पास आउट करना होता है ना, उसकी हैबिट क्या होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है। ठीक है, ए शॉर्ट थ्रोट डज नॉट हील, मतलब जो शॉर्ट सेकेंड आता है ए मीन्स होता है ए शॉर्ट थ्रोट डज नॉट हील, जो घाव वगैरह हो रहे होंगे सोर वो क्या करने लग जाएंगे, वो डजेंट हील, वो हील नहीं हो पाएंगे प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, फिर थर्ड में देखें यू, सी ए यू, यू का मीन्स होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम एनी ओपनिंग इन द बॉडी। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज हो जाएगा कहीं से भी, एनी बॉडी ऑफ द बॉडी, जहाँ से क्या होने लग जाएगा, कहीं ओपनिंग वगैरह हो रही है जैसे, तो वहाँ से जैसे लंप हो गया। ठीक है, और जैसे इसमें जैसे अपन ले सकते हैं कि वेजाइना वगैरह से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही हो तो तब। फिर आ गया फोर्थ आया अनएक्सप्लेन वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। इसमें क्या, बहुत अनएक्सप्लेन अगर वेट लॉस हो रहा हो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा हो, तब अपन बोल सकते हैं ये वार्निंग साइन है कैंसर का। फिर आ गया डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग और क्रोनिक इनडाइजेशन, डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलोविंग में और क्रोनिक डाइजेशन अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, तब अपन उसको बोल सकते हैं कि वार्निंग साइन। ठीक है, फिर आ गया लंप एन एनी वेयर ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी में अगर लंप हो रहा हो तब अपन बोल सकते हैं कि वार्निंग साइन हो सकते हैं कैंसर का ये। फिर आया नेगिंग कफ एंड परसिस्टेंट हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, बिल्कुल क्या हो रहा है, एक नेगिंग कफ मतलब बिल्कुल क्या होने लग जाए, बहुत जैसे हॉर्सनेस जो वॉइस होने लग जाती है वो होने लग जाती है, और बहुत लंबे टाइम से जो कफ होती है उसको अपन परसिस्टेंट कफ, ये भी साइन हो सकता है वार्निंग साइन। ठीक है, फिर अपन इसको एक एक को डिस्क्राइब करके देखेंगे। चेंजेस इन बोवेल एंड ब्लैडर हैबिट, चेंजेस इन बोवेल एंड ब्लैडर हैबिट, चेंजेस इन कलर, जैसे बोवेल का क्या होने लग जाता है, जो कलर और कंसिस्टेंसी और साइज एंड शेप ऑफ स्टूल चेंजेस होने, जैसे क्या जो स्टूल का कलर होता है, साइज होती है, कंसिस्टेंसी हो गई, कलर हो गया, वो चेंजेस, या तो बहुत क्या होने लग जाए, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा,
तो तब तो चांसेस हो सकते हैं, या फिर डायरिया बहुत परसिस्टेंट लंबे टाइम तक अगर डायरिया हो तो उसको चांसेस हो सकते हैं उसको ब्लैडर कैंसर, बोवेल कैंसर हो सकता है। फिर अगर ब्लड में, यूरिन में अगर ब्लड प्रेजेंट हो तब अपन बोल सकते हैं चांसेस होने लग जाते हैं ब्लैडर हैबिट, तो चांसेस होते हैं कि वार्निंग साइन हो सकता है ये ब्लैडर कैंसर। फिर आ गया ए सोर थ्रोट डज नॉट हील, जिसमें क्या होना, ए सोर थ्रोट डज नॉट हील मतलब जो सोर होता है वो डज, जैसे कहीं घाव हो गया ठीक है, वो अगर लंबे टाइम से है वो क्या होता है, अगर उसका टाइम पे अगर वो क्या हो, जैसे नॉर्मल 7 डेज में कोई हो जाता है कोई घाव, ऐसा वो अपने यूजुअल टाइम पे क्या हो रहा है वो हील नहीं हो रहा, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि वो चांसेस होते हैं कैंसर के। फिर डजेंट सीम टू गेटिंग ए बेटर ओवर टाइम, गेटिंग ए बिगर, जिसमें क्या लग जाएगा जो सोर थ्रोट है जब वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा टाइम टू टाइम ओवर द गेटिंग बहुत बड़ा होता जाएगा ठीक है। फिर अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज हो सकता है ब्लड इन यूरिन और स्टूल से हो सकता है, डिस्चार्ज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एग्जाम्पल निप्पल से हो सकता है, पेनिस से, निप्पल से क्या होने लग जाएगा बहुत जो डिस्चार्ज होने लग जाएगा, फिर पेनिस से हो सकता है डिस्चार्ज होने लगे, तब अपन उसको बोल देंगे चांसेस होते हैं कि कैंसर के होने के चांसेस होते हैं। फिर आ गया थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट एंड एल्सवेयर ऑफ द बॉडी, जिसमें क्या होगा जैसे ब्रेस्ट में किसी भी, जैसे नॉर्मल ये ब्रेस्ट है तो इसमें किसी भी पार्ट, ये ब्रेस्ट है ठीक है, इसमें क्या होगा किसी भी पार्ट पे अगर लंप बनने लग जाएगा या फिर उसमें हार्डनिंग होने लग जाएगी ब्रेस्ट में या फिर कहीं लंप हो जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। फिर एनी लंप इन फाउंड इन ब्रेस्ट व्हेन द सेल्फ एग्जाम, लंप कब फाउंड होगा जब वो क्या करेगी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी तब वहाँ पे क्या होगा लंप फाउंड होगा ठीक है। फिर यह हो सकता है लंप हो सकता है मेल में स्क्रोटम में, क्योंकि डूइंग द सेल्फ एग्जामिनेशन कहीं पे भी स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम में अगर लंप पाया गया हो तब भी चांसेस होते हैं कि उसको कैंसर होने के। फिर आ गया अदर लंप फाउंड इन बॉडी, या फिर कहीं अदर बॉडी में जो कहीं लंप फाउंड हो रहा है उसमें। फिर आ गया इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग फीलिंग और पेशेंट इन थॉट और चेस्ट वीक मेक विच मेक ठीक है, डिफ़िकल्टी स्वेलिंग अगर उसको सांस लेने में निकलने में दिक्कत हो रही है अगर उसको, या फिर डाइजेशन में दिक्कत हो रही है उसको, तो चांसेस हो सकते हैं कैंसर के। जैसे फीलिंग एंड प्रेशर इन थॉट चेस्ट एंड मेक विच मेक स्वेलिंग इन जनरल, क्या हो रहा है इसमें प्रेशर हो रहा है, जैसे फीलिंग प्रेशर लग रहा है चेस्ट में या फिर थॉट में, जो क्या कर सकता है अनकम्फर्टेबल हो सकता है स्वेलोइंग के लिए, तो स्वेलोइंग में बहुत अनकम्फर्टेबल फील होगा ठीक है, क्योंकि प्रेशर चेस्ट में प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से थ्रोट और चेस्ट में। फिर फीलिंग फुल विदाउट फूड, वो क्या करना है क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा प्रॉपर, तो उसकी वजह से क्या हो गया वो फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी जबकि वो खाएगा नहीं फिर भी उसको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में फूड लेगा तब भी उसको क्या होगा फुलनेस होने लग जाए, उसका स्टोमच फुल होने जैसा उसको फील होने लग जाएगा ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे ओबेस चेंजेस इन वर्ड एंड मॉल, स्किन पे क्या होने लग जाएगा ओबेस चेंजेस इन मॉल एंड यूज द एबीसीडी रूल, अपन क्या करते हैं चेंजेस इन वॉल और मॉल, मॉल क्या होता है एक तरह से मॉल जो अपने शरीर पे जो जैसे बहुत डार्क और जो ब्राउन कलर के जो एक तरह से मॉल प्रेजेंट होने लग जाते हैं ना छोटे छोटे, तब उनको बोल सकते हैं जैसे अपन उनको बोलते हैं ना मतलब अपने शरीर पे जैसे तल वगैरह होने लग जाते हैं वैसे ही सेम टाइम उसको डार्क शेप होने लग जाते हैं उसको अपन मोल बोल सकते हैं ठीक है। अब नॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है स्किन की। फिर आ गया एसिमेट्री, ए मीन्स एस, अब एबीसीटी रूल का यूज़ करेंगे उसमें एसिमेट्री क्या होता है इट डज नॉट लुक सेम इन ऑल पार्ट ऑफ देयर इज डिफरेंस एसिमेट्री, क्योंकि सभी जगह पे जो मोल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या हो गए जिसमें क्या होने लगे मॉल क्या होने लग जाए सेम होंगे ऑल पार्ट वो मॉल सेम होंगे। फिर आ गया बॉर्डर, आर द बॉर्डर शार्प में रेज, या तो उनकी बॉर्डर क्या होगी नुकीली होगी या फिर बस खुरदरी बॉर्डर होगी तब। फिर आ गया उसका कलर, कलर में सीन इन द मॉल व्हाट आर द कलर्स, मतलब सब में क्या कौन सा कलर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन सी के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर आ गया डी, जिसमें क्या मॉल बिगर देन पेंसिल इरेजर, जो मॉल की साइज डायमीटर होगा वो क्या एक तरह से बहुत बड़ा होगा पेंसिल के या फिर इरेजर से 6 mm ऑफ, तब अपन उसको बोलते हैं चांसेस ऑफ कैंसर।
फिर बोलेंगे जो नेगिंग कफ एंड होर्सनेस वॉइस। नेगिंग कफ सेवंथ क्या आता है, लास्ट वार्निंग साइन क्या होता है, नेगिंग कफ एंड होर्सनेस। नेगिंग कफ जैसे बहुत जोर से खांसी चलती है उसको अपन बोल सकते हैं नेगिंग कफ। चेंजेस इन वॉइस एंड होर्सनेस, लंबे टाइम तक किसी को खांसी चलेगी तो उसकी क्या होने लग जाएगी, होर्सनेस और वॉइस चेंजेस होने लग जाएगी, तब उसको चांसेस हो सकते हैं। अगर वॉइस चेंज हो करे तो लेरिंजर के चांसेस होने लग जाएंगे, लेरिंजर कैंसर हो सकता है। नेगिंग कफ, फिर कफ डज नॉट नॉट टू गो टू अवे। फिर स्पूटम इन ब्लड, अगर ब्लड में वगैरह में क्या हो रहा है, स्पूटम में क्या होने लग जाए ब्लड हो जाए, तब भी चांसेस होते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। ठीक है, वार्निंग साइन क्या होता है, एक तरह से कैंसर के साइन होता है, पर ये कोई डायग्नोसिस नहीं होता, पर एक तरह से ये क्या होता है, कैंसर के साइन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कि सो चेंजेस इन बोअल एंड ब्लडर हैबिट, फिर सोर थ्रो डज नॉट हील इन प्रॉपर टाइम पे, हील नहीं हो रहा है तब, फिर अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है कहीं बॉडी वगैरह से, फिर थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट एंड एल्सवेयर ऑफ द बॉडी, इनडाइजेशन एंड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, फिर लास्ट ओबियस चेंजेस इन वर्ड एंड मॉल सेकेंड लास्ट, फिर लास्ट होता है नेगिंग कफ एंड होर्सनेस वॉइस। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, क्योंकि एक वार्निंग साइन के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।